मलाई आपके लिए। क्या फिर से बोलो? आई पे का तो नहीं, जो मैं बोला। स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे, सो गाइस आ गए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। और गाइस इतनी खुशी मेरे फेस पे इसीलिए है क्योंकि अभी तो मैं आई हूँ ऊपर और कल जो मुझे नहीं मिली रस मलाई तो आरती दीदी गई है लेने के लिए। तो आरती दीदी लेके आ रही है, अल्लाह मैं इतनी खुश हो गई ना कि यार मुझे रस मलाई खाने मिलेगी क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा था, बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो और यहाँ पे मैं ऊपर आई हूँ, अमन के रूम में हूँ, तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मैं जैसे कि बताया मैं ऊपर आने के बाद में मैं रुक गई, किस वजह से रुक गई, ये पानी पूरी के लिए रुक गई। यहाँ पे हम लोग को इतना इंतजार नहीं हो रहा है कि जाए वो गरम गरम मीठा पानी है उसको अभी बैठ के ठंडा कर रहा है। पता है पानी पूरी की रेसिपी अगर आपको जानना है तो आलतू फालतू चैनल पे जाके देख सकते हो। प्रमोशन करना जरूरी है गाइस यहाँ पे। तो ये एड किसमें किया था? एयर फ्रायर में जब मीठा पानी ठंडा कर रहा है मेरी रस मलाई भी आएगी। नहीं ये नहीं खाऊंगी, मिक्स करके खाऊंगी, मिक्स करके खाऊंगी। तू लाते को पिलाऊंगी नहीं मैं नहीं पीऊंगी गाइस, मैं दोनों मिला के ही खाऊंगी। और अभी अभी आलू भी बॉईल हो रहे तो आलू बॉईल होने का भी वेट नहीं है, ये होएगा खाएगा नीचे। वो आलू का ऐसी रुका खाएंगे गाइस। हम लोग खा रहे थे और पानी इतना गरम है ना, गरम पानी से आंसू निकल रहे हैं। अच्छा पानी पूरी गरम पानी, मीठा पानी गरम है, खाया आंसू निकल रहे। ऊपर आ गई हूँ, आरती दीदी लेके आ गए हैं मेरी रस मलाई। नहीं एक भी नहीं दूंगी किसको, एक इतना सा टुकड़ा भी नहीं दूंगी। मैं वीडियो में दिख रहा हूँ। अरे मैं पैसा मार दूंगा, मैं हाइपर को एक चीज बोलना चाहती हूँ, इतना सा इतना सा इतना सा एक टुकड़ा भी नहीं। आरती दीदी मैं आपसे वॉफल्स मंगाया था। फिलहाल एक चीज बोल दूँ, रस मलाई आपके लिए। बाकी की मिठाई आरती दीदी है ना सब लोग। बच्ची मैंने तेरे और मेरे लिए वॉफल्स मंगाया था, लाएंगे आरती दीदी? और मैं खा लिया था, ऑटो का भाड़ा मेरा ऐसे ही गया। क्यों खा लिया? बंद था। हाँ बंद था। ओ, रात में 10 बजे हम पहुंचे वहाँ पे। ये जाती है 250 रुपए की चीज लेने, 500 रुपए खर्चा करके। क्रेविंग हुई तभी क्या करेंगे? मैं बोला स्विगी से मंगा ले, जोमेटो से मंगा ले, ऑनलाइन मंगा ले। क्या ऑनलाइन मंगा ले तो भी मैं उसकी नहीं। कल पूछ के ऑनलाइन डिलीवरी होती है क्या? तू 500 रुपए खर्च करती ना, तू मेरे को 300 रुपए दे, मैं 200 रुपए दे। चल 200 रुपए में जाके आ जाऊंगा। 250 रुपए की तो रस मलाई है। हाइपोथेटिकली बोला, सच बात नहीं बोला उसने, सही में 500 रुपए नहीं खर्चा करी। कौन के लिए? क्या फिर से बोलो? जो मैं बोला वो एग्जैजरेटिंग एग्जैक्ट। इन शॉर्ट में उसने बोल के बता दिया कि मैंने बोल दिया क्या। नहीं इसने कुछ तो भी बोला, लग्जरियस बोला इसने, बोला वो लग्जरी। इतना सच भी तुमको मालूम है आयफा? हम लोग दोनों जब बाइक पर आ रहे थे ना आयफा, हम लोग दोनों जब बाइक पर आ रहे थे ना तब हम लोग को भूख लगी, तब मैं बोला छोड़ खा लेते खोलना। एक दो तीन चार पाँच मैं सिर्फ बच्चे के लिए छोड़ दिया। ईशान भाई भाई का बर्थडे मना नहीं कर सकती तू। मार के चले, टपली मार के ले, ऐसा छोटी बहन है मार के ले। मेरा बच्चा इसलिए बच जा रही है, बच्चे की वजह से मैं भी छोड़ दिया। तो मैं टेस्ट करने का है कैसा है, मैं खाता जो तड़प रही है तू। मैं भी टेस्ट करूंगा, 4 चीज टेस्ट करूंगा उसमें से। मेरे को दे दो, मेरे को बहुत पसंद है। स्वीट टूथ
लगता मेरे को टेस्ट करा दे पे फिर। रुक जा पहले रुको, तू खाया है ना? नहीं मैं मुंह का नहीं खाता हूँ ना। देखो भाई एक काम करो, बंद कर दो आईफा, आईफा बंद कर दो, मैं टेस्ट के हिसाब से ना चारों पांचों खा लूंगा, प्लीज मत करो ऐसा। ऐसा थोड़ी ना खाते रसमलाई, मैं बताता हूँ कैसा खाते रसमलाई। क्या बोल रहे, तुक्के टेस्ट करा? नहीं ना भाई, टेस्ट कर लो, टेस्ट करने देखो टेस्ट पे। मैं एक लगा तो पूरा पूरा देखोगे नहीं, खून लग गया तो खत्म। अच्छा खाता है भाई यार तुम, क्या रसमलाई इतनी अच्छी थी कि जबान फिसल रहा है। ओ फिर खाना पड़ेगा, जबान उसकी पहले से फिसल रही थी। रसमलाई तो नहीं खाते? फाइनली मैं मेरी रसमलाई खाने जा रही हूँ और इतना होने के बाद में मुझे फाइनली आज मिल ही गई। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आज मुझे रसमलाई ये मिल ही जाएगी, क्योंकि आप लोग ने जैसे देखे मेरे पिछले व्लॉग में मैं गई और दुकान मुझे बंद मिली। गाइस मेरे से वेट ही नहीं हो रहा है। इतनी टेस्टी लग रही है ना, इतनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है फटाफट फटाफट सब खा जाओ। तो जैसे कि आप लोग ने ऊपर देखे उन लोगों को भी मैं टेस्ट करा के आई हूँ, तो चलो मैं फटाफट से खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। सो गाइस सो के उठ गई मैं, अच्छा खासा सो गई एक डेढ़ घंटा, क्योंकि सुबह में जल्दी उठ गई थी, लाइट नहीं थी घर में और इतना पसीना पसीना, बाप रे बाप, सुबह जल्दी जल्दी उठ गई थी। और फिर इसके बाद मैं आज मैं जाने वाली थी मेरे इन-लॉज के यहाँ पे, लेकिन फिर नहीं हो पाया, नहीं गई। और आप मच्छी का सालन बनाए थे तो काशिफ ने मुझे मच्छी का सालन भेजा, लो इतना अच्छा लगा, मैं वो टेक नहीं ले पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी वो। और फिर उसके बाद में काशिफ ने मुझे भेजे है सीताफल, तो अभी मैं सीताफल भी खाऊंगी। तो कहा हुआ मुस्तू गाइस, ये ना कार्टून देख रहा था और मैंने इसका कार्टून बंद कर दी, तो मुस्तजाब उधर चले गए कि मम्मा ने मेरा फ़ोन बंद कर दी। और गाइस मेरे से बात तो करी नहीं जा रही, जस्ट मैं अभी वॉशरूम से आई और मैं वॉशरूम से रूम में आए तक का मैं हाफ रही हूँ, मैं बात करते करते भी हाफ थी हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर से इस बारे में मैं बात करूँगी, और मैं जब जाती हूँ डॉक्टर से बात करना ही भूल जाती, तो इंशाल्लाह मैं बात भी करूँगी। तो चलो फटाफट से मैं खा लेती हूँ और फिर उसके बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट डे हो चुका है और उठ के सब नाश्ता वाश्ता करके मैं बैठ गई हूँ, और उसके बाद मैं भी ये सोच रही थी कि जो मेरी रसमलाई बची है वो मैं खा लूँ, क्योंकि अभी मेरे को एडिट कर रही हूँ वीडियो तो देखी ना मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जो बची हुई रखी है ना वो खा लेती हूँ, तो वरना बाद में फिर वो ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम रखते हैं ना वो एकदम अजीब ही स्मेल आने लग जाती है, तो उसको रखेंगे नहीं, खा लेंगे। और हाँ मुझे ये भी करना था, आज मुस्तू के कपड़े मुझे सारे सॉर्टेड करने थे, क्योंकि बहुत मतलब टाइम हो गया है यहाँ पे मम्मी के, इसमें मम्मी के घर पे जो मुस्तू के कपड़े बहुत छोटे भी हो गए हैं मतलब, और कुछ देने के है कुछ रखने के है, तो ये सब भी करना है। और फिर गाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरा बेबी का, जो भी ड्रेस वगैरह है वो सब भी सेट करके मुझे रखना है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो वो भारी पड़ जाएगा एंड मोमेंट पे करने के लिए, तो वो सब निकाल के एक निकाल के ऐसा रख देंगे। और अभी तो यहाँ से हम वो भी निकालने वाले, मुस्तू के छोटे छोटे टॉयज रखे है, सॉफ्ट टॉयज है गाइज, तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये सॉफ्ट टॉयज मैंने निकाली, मुस्तू क्या है वो? डॉग। और ये क्या है? हाँ मुस्तू ये क्या है? ये शिनचैन। और वो क्या है? ये क्या है? ये शिनचैन है। तुम खुश हो गए तुम्हारे टॉयज निकले तो? गाइज मुस्तू छोटू से था जब मैंने ये लेके आई थी, तुम खुश हो गए? से थैंक यू मम्मा, थैंक यू, थैंक यू। लगा यहाँ पे मुस्तू के कपड़े भी है, जैसे सैंडो बनियान वो छोटे बच्चों की आती है वो, तो वो तो नहीं है शायद से, मैं वो लेके चली गई हूँ वो घर पे, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या सामान है और क्या नहीं, सब कुछ निकाल के रखना पड़ेगा।
तो हम वहाँ पे देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह वही बनाऊंगी कि सब कपड़े निकालूंगी मुस्तू के, ये वो हुदापे ने जो जो बनाई है वो। और हुदापे अभी जीजू के हाथ से सामान भी भेजने वाली है, ये मंथ के एंड तक जीजू आने वाले तो उनके हाथ से सामान भेजने वाली है जो भी हुदापे ने बोली थी कि मैं भेजूंगी। तो चलो मैं इसी के साथ व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।